सब्सक्राइब करें आदित्य मोटरवे चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। आदित्य प्रताप और स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आदित्य मोटरवे। तो आज हम आपके लाए हैं बजाज की पल्सर RS 200। तो आइए आप इसका एक रिव्यू ले लें फिर आपको बताते हैं इसके बारे में। पावर की बात करी जाए तो इसमें आपको 24.5 bhp इट मींस 9750 का rpm मिलेगा और मैक्सिमम टॉर्क जो आपको मिलेगा इसमें 18.6 nm इट मींस 8000 rpm। इसमें आपको वॉल्स पर सिलेंडर 4 मिलेंगे और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो आपको मिलेगा इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन मिलेगा। और बात करते हैं इसके फ्यूल टाइप के बारे में तो आपको पेट्रोल मिलेगा। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 30 लीटर्स की है। बहुत ही अच्छी बात है 30 लीटर्स की है। ये आपको अप्रोक्स 300 किलोमीटर तक आप इसमें राइड कर सकते हैं ताकि बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको अगली वजह उसमें मिलेगा उसमें आपको ट्रिपल स्पार्क प्लग मिलेंगे जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो 4 वॉल्स पर सिलेंडर का मतलब होता है भाइयों कि दो वॉल्स एयर को पास करने का 2 वॉल्स फ्यूल को पास करने के लिए। इसमें आपको जो कूलिंग सिस्टम मिलेगा वो आपको लिक्विड कूलिंग मिलेगा और नंबर ऑफ गियर जो आपको मिलेंगे इसमें 6 मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्क के बारे में। तो आपको इसका फ्रंट डिस्क 300 mm का मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत पावरफुल डिस्क ब्रेक है और जो रियर डिस्क ब्रेक आपको जो मिलेगा वो आपको 230 mm का मिलेगा। तो डबल डिस्क में आपको मिलेगा जो ब्रेक। उसके टायर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर प्लस अलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसकी टॉप स्पीड के बारे में बात करी जाए तो इसमें आपको 141 km/h की स्पीड मिलेगी। इसका माइलेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको 35 km/l का आपको इसमें माइलेज मिल जाएगा। तो अभी इसी के बारे में सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता रहे हैं। तो अगर आपके कुछ आपके रिव्यूज़ अच्छे रहे हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है RS के बारे में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दें। हम आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको जल्दी ही ला के बताएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मिस्टेक्स लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में